नमस्ते सलाम अलैकुम वनकम सस्त्री अकाल केम छो राम राम आणि काय म्हणता माझी मंडळी वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल पीपी व्लॉग्स. हमारा एक फ्रेंड है तन्मय विश्वास, उनकी पिछले वीडियो में कमेंट थी कि सर कोलकाता से नमस्कार बोल दो, तो नमस्कार कोलकाता की मंडळी, हमारे सबको नमस्कार. एंड मेरा नाम है पंकज, मैं लेके आता हूँ इस YouTube चैनल पे बाइक की टिप्स ट्रिक्स, कुछ इन्फॉर्मेशन, कंपैरिजन वीडियोस, व्लॉग, लाइफस्टाइल व्लॉग्स, मोटो व्लॉग्स, ये ढेर सारी खिचड़ी हम इस YouTube चैनल पे करते हैं. तो अगर आप नए और पहली बार मुझे देख रहे हो तो नीचे दिया हुआ लाल बटन हिट कर दीजिए सब्सक्राइब का, उसके साइड में दी हुई बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए. उसको दबाने से क्या होगा, जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो सब्सक्रिप्शन फीड में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी एज ऑलवेज मैन. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक बात क्लियर बोल देना चाहूंगा यहीं पे, क्योंकि आप लोग मेरे दोस्त हो, आप लोग मेरे भाई हो और आप मेरे वेल विशर्स हो, हमेशा अच्छी अच्छी कमेंट्स देते हो और आजकल तो कमेंट और सब्सक्रिप्शन की तो भरमार कर रहे हो, तो थैंक यू वेरी मच दिल से. तो बात ये बोलना चाहूंगा कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, यानी अभी अभी, तो मैं निकल चुका होऊंगा अपने फैमिली के साथ ऊटी बैंगलोर मैसूर वाली ट्रिप के लिए. तो इस बार मैं कार से जा रहा हूँ, दो तीन हमारी बाइक राइड्स हुई, अब कार से जाते हैं, आराम से जाते हैं थोड़ा सा, तो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग बाय कार. अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर, जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो, जिसके लिए आपने थंबनेल को हिट किया है. ऑटो एक्सपो 2018 यानी फरवरी 2018 में जो बाइक लॉन्च हो रही है, जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, यामाहा, सुजुकी और कौन सी, होंडा, ये तीन चार बड़े बड़े ब्रांड्स अपने बाइक्स, अपने स्कूटर्स लॉन्च करने वाला है. तो आज उसके बाद ओवरऑल डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लेने वाले हैं इस वीडियो में. तो बहुत सारी बड़बड़ के बाद फाइनली आपका भाई आपको इन्फॉर्मेशन देगा. सो लेट्स स्टार्ट इट. ऑटो एक्सपो 2018, ये वाला इवेंट एशिया का लार्जेस्ट मोटरिंग इवेंट माना जाता है. तो आने वाले हफ्तों में आप देख सकते हो ऑटो एक्सपो में ढेर सारी बाइक्स, ढेर सारी कंपनीज अपनी अपनी बाइक लॉन्च कर रही है, जिनमें से एक है सुजुकी, जो अपनी, जैसे सुजुकी ने लास्ट ईयर अक्टूबर में अपनी ट्विन जिक्सर्स लॉन्च की थी, उसी समय उन्होंने अनाउंस किया था कि वो इंडिया में अपनी दो बाइक्स और एक स्कूटर हर साल लॉन्च करेंगे, बट वैसा हो नहीं पाया. तो इस बार ऑटो एक्सपो में उसकी भरपाई सुजुकी जरूर करेगा. तो वो कौन सी बाइक लॉन्च करेगा वो हम देखेंगे. सुजुकी अपनी मच अवेटेड, जिसका इंतजार आप लोगों, आप में से भी बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, सुजुकी GSX 250R, यानी जिसको हम वेरी वेल नोन कहते हैं जिक्सर. तो सुजुकी अपनी मच अवेटेड मिडल सेक्शन में, मिडल सेगमेंट में लॉन्च कर रहा है अपनी जिक्सर 250R. तो गाइज, इस बाइक के लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि इस प्राइस ब्रैकेट में, इस प्राइस रेंज में, मिडिल सेक्शन में कौन सी बाइक हमको मिल सकती है अच्छी. सुजुकी ने अपनी जिक्सर से इंडिया में एक हाइप क्रिएट की, एक जिक्सर का बहुत अच्छा सेल आउट हुआ और अब उसको अपग्रेड करके सुजुकी ला रहा है 250 जिक्सर. जिक्सर में आप 248 cc का ट्विन सिलेंडर इंजन देख सकते हो और इस बाइक में 6-speed गेयरबॉक्स रहेगा, जो कि आप 6-speed गेयरबॉक्स यानी आप समझ सकते हो कि कितना सीरियस पावर रहने वाला है इस बाइक में. अब पावर की बात आती है तो जैसे हम हमेशा आपको बताते हैं 25 bhp की पावर रहेगी, जो कि पिक टॉक क्रिएट करके 23 nm का. और इस बाइक की प्राइम हाईलाइट रहेगी कि इस बाइक में फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलेगा, उसके साथ ही साथ यहाँ पे ABS भी मिलेगा, जो कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं वो भी मिलेगा और मच मोर, और अच्छी अच्छी एडवांस चीजें है इसमें. सुजुकी जिक्सर 250R आपको इंडिया में एक शोरूम प्राइस अराउंड 3 lakh के सेगमेंट में देखने को मिल सकती है. तो ये गाड़ी कम्पीट करेगी R3 के साथ में, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं. तो सुजुकी जिक्सर के लिए जो भी वेट कर रहे, फरवरी ऑटो एक्सपो 2018 में आप उस बाइक को देख सकते हो. अब बढ़ते हैं हमारे सुजुकी की नेक्स्ट वेरी हाईली एंटिसिपेटेड, मच वेटेड स्ट्रीट फाइटर बाइक, जो कि है सुजुकी GSX S750. तो कंपनी चाहती है कि वो भी ये जो अपग्रेडेड कैटेगरी है उसमें कम्पीट करना चाहती है, इस सेक्शन में, इस सेक्टर में सुजुकी भी इसमें अपना हाथ आजमाना चाहता है. तो सुजुकी GSX S750 लॉन्च करेगा, जिसका इंजन रहता है 749 cc का. इसका इंजन रहने वाला है फ्यूल इंजेक्टेड और ये फ्यूल इंजेक्टेड मोटर जो होती है वो प्रोड्यूस करेंगी अमेंसिव अमाउंट ऑफ पावर, जो कि 113 bhp विथ 18 nm ऑफ टॉर्क. इतनी ह्यूज फिगर है, तो ये सीरियस रेस ट्रैक मशीन या नेकेड क्रूजर हम बोल पाएंगे. इस बाइक की हाईलाइट ये रहेगी कि इसमें भी ABS रहेगा, पर इस बाइक में मल्टी लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल आ रहा है, जो कि इस प्राइस ब्रैकेट में थोड़ा यूनिक फीचर मैं बोल सकता हूँ. उसी के साथ साथ इस बाइक में डबल डिस्क ब्रेक्स आ रहे हैं,
तो डबल डिस्क में फ्रंट वाली जो डिस्क रहेगी उसका साइज रहेगा 310 mm की डिस्क फ्रंट साइड में और 220 mm की डिस्क एट द रेयर, तो ब्रेकिंग रिक्वायरमेंट में भी बढ़िया रहने वाली है। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुजुकी GSX S750 को लेकर। अब बढ़ते हैं सुजुकी की वेरी नेक्स्ट बाइक जो कि एडवेंचरर टूरर हम बोल सकते हैं, सुजुकी V-Storm 650। ये बाइक एडवेंचर टूरर कैटेगरी में आएगी, बट ये बाइक ऑटो एक्सपो 2018 में नहीं, उसके जस्ट बाद एक महीने बाद यानी मार्च में आपको देखने को मिल सकती है। इस बाइक की प्राइस थोड़ी एग्रेसिव रहने वाली है क्योंकि कुछ होगा उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी वाला, कुछ टेंशन है उनका, वो नहीं मालूम, दैट इज़ वाई ये बाइक थोड़ी सस्ती हो सकती है एज एक्सपेक्टेड। और इस बाइक में जैसे कि इसका नाम है सुजुकी V-Storm 650, इस बाइक में 645 cc का V-twin इंजन रहने वाला है और इस बाइक में भी आपको 6 speed का गियर बॉक्स देखने को मिल सकता है। इस बाइक में ABS भी रहेगा और इसकी ब्रेकिंग डिपार्टमेंट की अगर बात करेंगे तो 310 mm की डिस्क फ्रंट और 260 mm की डिस्क एट द रेयर मिलेगी। इस बाइक की एक्सशोरूम प्राइस रह सकती है अराउंड 6 lakh, तो जिनका भी ये कैटेगरी में बाइक लेने का मन है और एडवेंचर टूर कैटेगरी में वो लेना चाहते हैं तो वैसे 650 का सीरियस कॉम्पिटिशन ये रहने वाला है V-Storm 650। अब ऑटो एक्सपो की बात कर रहे हैं हम, सुजुकी लॉन्च कर रहे हैं तो यामा क्यों पीछे रहेगा, द मच अवेटेड यामा R15 जैसी बाइक्स ऑटो एक्सपो 2018 में आपको देखने को मिल सकती है। यामाहा इंडिया में एक सीरियस कॉम्पिटिटर है, यामा एक इंडिया में एक बड़ा शेयर होल्ड करता है मोटरसाइकिलिंग इंडस्ट्री में, तो यामा जो है अपनी ऑटो एक्सपो में कुछ बाइक्स अराउंड 3 bikes लॉन्च करेगा जो कि आपको 2018 में कभी भी देखने को मिल सकती है, यानी कभी भी लॉन्च हो सकती है वो बाइक्स। ऑटो एक्सपो में वो डिस्प्ले करते हैं बाइक्स को और उसकी ऑफिशियल डिलीवरी कब से स्टार्ट होगी उसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं है, तो दैट इज़ वाई आई कांट से कि ये बाइक कब मिलेगी, बट 2018 में ये बाइक ज़रूर आ रही है। तो हमने ऑलरेडी R15 के बहुत सारे वीडियोस देख लिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक गैदर्ड भी हो चुकी है, मलेशिया में ये बाइक लॉन्च भी हो गई है, उसके वीडियोस भी आपने देखे हैं। तो एज R15 की जैसे प्रीवियस वाले जो मॉडल्स है उसी तरीके की ये भी बाइक आएगी, दिस इज़ कॉल्ड एज R15 version 3.0। तो ये बाइक अपनी पुरानी जो सिबलिंग है R15 उससे थोड़ा हायर एंड का इसका इंजन रहेगा, 155 cc का। जब इंजन बढ़ गया है तो इसमें पावर भी ऑब्वियसली ज़्यादा ही रहेगी, मोर पावर मोर टॉर्क रहने वाला है और कॉस्मेटिक चेंजेस आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं, थोड़े एजेस जो है शार्पर है, उसका जो फेयरिंग है थोड़ा शार्प किया गया है ताकि और एग्रेसिव लुक इस बाइक को मिल सके। यामाहा R15 version 3 एक रेस ट्रैक मशीन भी बोल सकते हैं और एक रोड ट्रैक मशीन भी बोल सकते हैं। तो बस ये थी कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन R15 को लेकर, इस पर हम डेडिकेट करेंगे हमारा एक पूरा होल वीडियो क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर R15 के बारे में भी जानना चाहते हैं, आने वाले समय में आपको वो भी वीडियो देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बोला सुजुकी की जिक्सर 250R वो भी आने वाली है, उसी बेसिस पे उसी इंजन स्पेसिफिकेशन में या उस कैटेगरी में यामा की R3 भी आ रही है जो कि बहुत सक्सेसफुल बाइक रही है इंडिया में। जो भी 3 से 4 lakh के बीच में बाइक लेना चाहते हैं वो R3 को बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं, बट जैसे इंडिया में BS4 का नॉर्म गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया उसी वक्त यामा को अपनी R3 को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। अब BS4 के नॉर्म को लेकर R3 वापस आ रही है, बट इसमें कोई मैकेनिकल चेंजेस नहीं है, कोई स्पेसिफिकेशन में कोई भी चेंज नहीं है। इस बाइक में थोड़ा सा आप जैसे देख पा रहे हो कलर स्कीम चेंज की है, थोड़ा माइनर माइल्ड कलर दिया गया है, तो थोड़ा कॉस्मेटिक चेंजेस आप इस बाइक में देख सकते हो। और इसमें ABS भी रहेगा बट वो स्टैंडर्ड रहेगा, एज अ स्टैंडर्ड ABS इसमें आ रहा है, 321 cc का पैरेलल ट्विन 4 stroke इंजन इसमें आप देख पाओगे। एंड दिस बाइक विल लॉन्च अराउंड 3 lakh से लेकर 3.5 lakh के आसपास प्राइस ब्रैकेट में R3 आपको देखने को मिल सकती है। अब ऑटो एक्सपो 2018 की बात कर दी हमने जिसमें यामा की बाइक्स देख ली, सुजुकी की बाइक्स देख ली, बट इसमें एक नाम थोड़ा सा रह गया सा लगता है जो कि है होंडा। जी हाँ दोस्तों, होंडा इंडिया की बाइकिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल अब तक जो बाइक कंपनी रही है वो है होंडा। लास्ट ईयर का अगर हम टोटल कॉन्फिग्रेशन देखेंगे बाइकिंग इंडस्ट्री का तो होंडा ने नंबर 2 का स्पॉट हिट किया था। होंडा की सबसे पहली और मच प्रीमियम फ्लैगशिप बाइक मैं बोल पाऊंगा जिसका नाम है होंडा की गोल्ड विंग जो कि है 26,85,000 एक शोरूम दिल्ली। यस, तो ये बाइक ऑलरेडी दिसंबर में लॉन्च हो गई है इंडिया में और इस बाइक को मैंने कवर भी किया था अपने IBW वाले सेक्शन में, तो इफ़ यू हैवंट वॉच माई दैट वीडियोज देन आपको मालूम है क्या क्लिक करना है। तो होंडा की गोल्ड विंग लॉन्च हो रही है फिर से ऑटो एक्सपो में, ऑब्वियस है इतनी प्रीमियम फ्लैगशिप बाइक है
तो अपनी बूथ में वो बाइक रखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा विजिटर्स को वो कैच कर सके, और वो बाइक आई कैची है, इट विल गैदर्ड अटेंशन ऑफ मेनी बायर्स, सो नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ सकते हैं होंडा के। तो गोल्ड विंग आप पहले देखोगे ऑटो एक्सपो में होंडा की तरफ से। अब हमारी दूसरी बाइक है होंडा की, जो कि सीरियस कॉम्पिटिशन है, जिसके लिए काफी सारे लोग वेट कर रहे हैं, जिसके लिए मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स ढेर बार ढेर सारे कमेंट्स करते हैं, जिसमें मुझे एक कमेंट याद है, होंडा की रेबल 300 कब आ रही है सर, कब आ रही है, ऐसे हर वीडियो में मेरे कमेंट है। होंडा की दूसरी मच एवेटेड रॉयल इनफील्ड 350 सीसी वाले हर सेगमेंट वाली बाइक को टक्कर देने के लिए आ रही है होंडा की रेबल 300। होंडा की रेबल जो बाइक है वो आप एज फ्रॉम द पिक्चर्स यू नो की क्रूजर और टूरर कैटेगरी में हम आप इस बाइक को बोल सकते हैं। ऑल्दो रॉयल इनफील्ड की बाइक्स बहुत अच्छी है, आई नो दैट, बट उसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट के लिए जगह अभी भी बाकी रखी है। उसमें अगर होंडा रेबल 300 जैसी बाइक लॉन्च करेगा, जो कि 286 सीसी की बाइक रहेगी, तो ऐसी बाइक विद एबीएस और मच मोर इम्प्रूव्ड मॉडर्न इंजन के साथ में अगर आता है, तो ऑब्वियस है रॉयल इनफील्ड को थोड़ा बहुत तो भी इससे झटका लगेगा, या आई कैन से थोड़ा बहुत तो भी उनका लॉस हो सकता है। तो रॉयल इनफील्ड नीड्स टू इम्प्रूव, बट होंडा इज गेटिंग रेडी टू बी टेकिंग ओवर टू रॉयल इनफील्ड। 286 सीसी का इंजन रहेगा इसमें, नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट अबाउट द स्पेसिफिकेशन, बट ये बाइक 200,000 के आसपास लॉन्च हो सकती है। तो प्राइस ब्रैकेट में भी अगर आप ध्यान दोगे तो सीरियस कॉम्पिटिशन हो सकता है डोमिनार को, रॉयल इनफील्ड की 350 सीसी वाली हर बाइक को, एंड होंडा रेबल थम्स अप। एंड आई होप मेरे जो सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं जो रेबल के बारे में जानना चाह रहे थे, वो थोड़ा बहुत अभी सेटिस्फाइड हुए होंगे मेरी इस इंफॉर्मेशन से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होंडा की मच सोल्ड CBR सीरीज जो थी, उसमें बाइक लॉन्च हो रही है नई CBR 300R। आई नो CBR 150R और 250R अभी डिसकंटिन्यू हो गई है इंडिया में, तो इस बाइक को डिसकंटिन्यू होने का रीज़न ये था कि BS4 की जो नॉर्म्स आए थे उस वजह से होंडा ने ये बाइक्स कैंसिल कर दी, यानी डिसकंटिन्यू कर दी। अब उसको टेक ओवर करने के लिए होंडा ने मच अपग्रेडेड और मच सेलिब्रेटेड और फेमस और आई कैन से कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है 300 सीसी का, तो CBR 300R आएगी 350 सीसी का इंजन लेकर, और ये बाइक सीरियसली कॉम्पीट करेगी अपाचे 310RR, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है सोशल मीडिया पे या हर तरफ, KTM RC 390 के साथ और बेनेली 302R और कावासाकी की निंजा 300, इन बाइक के साथ में ये बाइक कंपटीशन करेगी। CBR 250R मच सोल्ड बाइक थी उस टाइम पे, फुल्ली फेयर्ड वाली, यानी स्पोर्ट्स बाइक लुक में या स्पोर्ट्स बाइक कैटेगरी में। तो अभी जो बूम हुआ है मार्केट 250 सीसी से लेके उसके ऊपर का मार्केट अब ज़्यादा बूम हो चुका है, 250 सीसी से लेके उसके ऊपर वाली बाइक्स ज़्यादा सोल्ड हो रही है, और 300 सीसी या 350 सीसी वाला सेगमेंट अभी फायर पे इंडिया में। दैट इज व्हाई होंडा ने डिसाइड किया है कि अपनी 300 सीसी की बाइक लॉन्च करनी चाहिए, CBR 300। तो दैट्स इट, ऑटो एक्सपो में ढेर सारी बाइक्स लॉन्च हो रही है, ढेर सारी स्कूटर्स लॉन्च हो रही है, और ऑटो इंडस्ट्री में वैसे भी धमाका होता ही है। तो मैंने कुछ गिने चुनी बाइक्स सुजुकी होंडा एंड यामाहा, जिसके क्वेश्चन मुझे हमेशा कमेंट बॉक्स में आ रहे थे, उन्हीं को लेकर ये वीडियो बनाया। तो ऐसा मत समझिए कि सर आपने ऑटो एक्सपो में ये वाली बाइक आ रही थी उसके बारे में नहीं बोला है, क्या इतनी बाइक्स आ रही है, नहीं, ढेर सारी बाइक ढेर सारी स्कूटर्स लॉन्च हो रही है, बट जिसमें से मुझे ठीक लगा आपसे शेयर करना, वो सारी बातें मैंने आज आपसे शेयर की। तो आई होप ये भी वीडियो आपको उतना ही अच्छा लगा होगा जैसे आपको मेरे इसके पहले के वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो बाय एनी मीन्स, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन नीचे वाला, और उसके नीचे एक लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको भी हिट कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। हमारी रिक्वेस्ट होती है खत्म। दिस इज मी पंकज साइनिंग ऑफ, लॉगिंग ऑफ फ्रॉम पीपी ब्लॉग्स। एज ऑलवेज व्हाट वी से, लिव फ्री राइट फ्री एंड डोंट डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू द राइट थिंग, सही चीजें करना जरूरी है। बाय।